हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पनीर और आलू के पराठा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको बनाने के लिए पनीर लिया है मैंने 200 ग्राम और एक बड़े साइज का आलू लिया है और चार पांच मैंने हरी मिर्च लिया है और तीन चार जवा लहसुन और इसको कूट लिया है और एक चम्मच हरी धनिया लिया है और प्याज लिया है कि इसको बारीक काट लिया है। पनीर को भी मैंने ग्रेटर में ग्रेट कर लिया है और आलू को भी, और इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच प्याज डाला है और प्याज को बारीक काट कर उसका थोड़ा पानी निकाल देने से पनीर में अच्छी तरह जाकर सेट हो जाता है। और इसमें मैंने 2 चम्मच हरी मिर्च डाल दिया, हरी मिर्च मैंने कुटा हुआ था, अगर आपको काट कर भी डाल सकते हैं। और हरी धनिया ले लिया है और ये मैंने भुना हुआ जीरा लिया है पिसा हुआ 1 टीस्पून और हाफ टी स्पून मैंने काली मिर्च लिया है और 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्च ली है। मिर्च मसाला अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून नमक लिया है। कसूरी मेथी को हमने गरम कर लिया है, अब इसमें इसको हाथ से ऐसे क्रश कर देंगे जिससे इसमें कुछ इसमें डंडियाँ हों तो उसको निकाल देंगे। और पनीर के पराठे में इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, या फ्रेश मेथी की जो पत्तियाँ होती हैं जो सीजन में मिलती हैं उसको भी डाल सकते हैं। और अच्छी तरह से मैश कर लिया है, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूंगी जिससे यह और अच्छी तरह सेट हो जाए, फिर हम इसे अच्छी तरह से हम इसका पराठा बना लेंगे। तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था 10-15 मिनट के लिए। और ये नॉर्मल आटा गूंदा है, मैदा नहीं है, जैसे हम रोटी या पराठा बनाने के लिए आटा गूंदते हैं। और इसमें नमक या घी कुछ भी नहीं मिलाया हुआ है, प्लेन आटा है। इसको गोल सा बना लेंगे जैसे हम कटोरी बनाते हैं उस तरह से बना लेंगे और उसमें पनीर डाल लेंगे। इसको भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और इसके ऊपर के हिस्से को थोड़ा सा पतला करते हुए दोनों तरफ से इसको मोड़ते जाएंगे और सबको एक साथ करके और उसको घुमा लेंगे। जो नए बनाने वाले हैं उनको अच्छी तरह से देखना पड़ता है भरने के लिए। दूसरा भी एक मैं बना देती हूँ, पनीर और आलू के साथ मिक्स करके पराठा और टेस्टी लगता है और अच्छी तरह से भर जाता है, ज़्यादा चिपचिपा नहीं होता है, आराम से हम इसको बना लेते हैं। और इस तरह से सबको इकट्ठा करके ऐसे घुमा लेंगे और ऐसे थोड़ा इकट्ठा करके अगर थोड़ा सा निकाल दें तो अच्छी तरह से ये बंद हो जाता है और हम इसको बेल लेंगे। अब बड़ा छोटा अपने हिसाब से आप पेड़ा लें और उसी हिसाब से जितना बड़ा आप बेल सकते हैं तो उतना बड़ा आप बेल लें। इसको मैंने तवा रख दिया है, बटर या घी जो आपको पसंद हो उसमें लगा लें। गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम रखें। इस तरह से पराठा अच्छा बनता है और इसका कलर भी अच्छा आता है और अच्छी तरह से सेक भी जाता है। पनीर का पराठा मीडियम फ्लेम पर ही बनाना चाहिए, लो और या मीडियम, क्योंकि वैसे भी ये बहुत सॉफ्ट बनता है। और ये दोनों तरफ से हमने अच्छी तरह से इसको सेक लिया है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये पराठा बना है, बहुत ज़्यादा मसाला भी नहीं डाला है क्योंकि पनीर में बहुत ज़्यादा मसाला मुझे पसंद नहीं है, मैं बहुत कम डालती हूँ मसाला। और अगर आप इसमें लाल मिर्च स्किप कर सकते हैं तो लाल मिर्च स्किप कर दें। इसको दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लें, इसका कलर आ जाए और ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए साइडों से भी। और ये हमारा पनीर का पराठा तैयार हो गया है, पनीर और आलू मिक्स करके बनाया है मैंने, और बहुत ही अच्छा सिंपल सा टेस्टी पराठा बना है। आप इसके साथ इसको बनाइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट भी करिए, आपको ये पराठा ज़रूर पसंद आएगा। मैंने इसको सॉस और अचार के साथ सर्व किया है। थैंक यू।